हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से और एक बार हमारे चैनल पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले अमेजोन प्राइम पर एक तमिल फिल्म रिलीज हुआ था जिसका नाम है सानी काईधम। फिल्म की मेन फीचर पर थे कीर्ति सुरेश और इस फिल्म के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट मिल रहे थे, बहुत ही तारीफ मिल रहे थे। हर तरफ से इस फिल्म का चर्चा चल रहा है क्योंकि फिल्म में उसका काम ही कुछ ऐसा था और फिल्म का स्टोरी लाइन भी दमदार था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस फिल्म को देख लिया जाए। हिंदी में तो नहीं आया, तमिल फिल्म है तो इंग्लिश सबटाइटल अवेलेबल है, इसके लिए मैंने आज इस फिल्म को देख लिया है। अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया कुछ दिन पहले, तो आज इस फिल्म को मैंने देखकर कंप्लीट किया है। तो आज की इस वीडियो पर दोस्तों आगे इसी फिल्म के बारे में बात करेंगे, जान लेते हैं कि क्या वाकई फिल्म उतनी अच्छी थी जितनी इसको तारीफ मिल रहे थे, और मेरा ओपिनियन भी शेयर करेंगे मुझे कैसा लगा ये फिल्म, और क्या वाकई आप लोगों को भी ये फिल्म देखना चाहिए तमिल में। हिंदी में वेट करने से बेहतर होगा या फिर हिंदी के लिए वेट करना ही बेहतर होगा, आगे इस वीडियो पर हम बात करेंगे। दोस्तों, सानी काईधम एक तमिल फिल्म है जिसको आप लोग एक पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म भी कह सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत सारा ब्रूटल मर्डर देखने को मिलता है। अगर शॉर्टकट में फिल्म की स्टोरी बताई जाए तो एक गांव में एक लड़की है पोन्नी, जिसका किरदार निभाता है कीर्ति सुरेश। वो इस फिल्म में पुलिस है और वो गांव के कुछ पॉलिटिशियन के हाथों अपनी इज्जत के साथ साथ अपने बच्चे और पति को खोते हुए न्याय के तलाश में कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन फिर भी वहां पे भी न्याय नहीं मिलता है। और उसके बाद वो खुद निकल पड़ता है न्याय करने के लिए, और उसके बाद आपको फिल्म में बहुत सारा क्राइम देखने को मिलेगा, बहुत सारा ब्रूटली मर्डर देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत में आप लोगों को कुछ कैरेक्टर और उनके कनेक्शन के बारे में जानना जरूरी है। कीर्ति एक गांव में रहता है अपने पति और बच्चे के साथ, और वो इस फिल्म में एक पुलिस का किरदार निभाते हैं, छोटा मोटा पुलिस का। लेकिन फिल्म में पुलिस के किरदार को ज्यादा अहमियत नहीं दिया गया है, बस बताया उतना ही काफी है। कीर्ति की पति गांव में कुछ पार्टी के लोगों के साथ काम करता है, और वह उसकी बेटी के बारे में भी जानना जरूरी है। उसकी बेटी हर रोज स्कूल छुट्टी होने के बाद एक बूढ़े आदमी से मिलता है जिसका नाम है संगाया। कीर्ति की बेटी की स्कूल छुट्टी होने के बाद वो कीर्ति की बेटी के साथ खेलता है जब तक ना कीर्ति उसको लेने के लिए आता है, लेकिन वो कीर्ति के साथ मुलाकात नहीं करता है। उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ संबंध है, हो सकता है बाप बेटी या फिर कुछ और, फिल्म में आपको इसके बारे में पता चलेगा। एक दिन कीर्ति के पति के साथ कुछ पॉलिटिशियन की झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो लोग कीर्ति के बारे में कुछ बुरा वाला बोल रहे थे, तो वो वहां से काम छोड़ के निकल जाता है। उसके बाद कीर्ति उसको समझाता है कि काम नहीं छोड़ना चाहिए था, उसको किसी तरह से माफी मांग के दोबारा से काम पे जाना चाहिए, ऐसा समझा रहा था। तो वो दोबारा से काम पे जाने के लिए वहां पे जाता है सॉरी कहने के लिए, लेकिन वहां पे दोबारा से झगड़ा हो जाता है। उसके बाद वो पार्टी के लोग बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील करता है, और वो लोग एक पुलिस ऑफिसर के जरिए कीर्ति को फोन करके बुलाते हैं रात में, और वहां पे उसको चार पांच लोग मिलके बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उसका रेप करता है। और सिर्फ यही नहीं, उसके घर में जाके उसके घर में आग लगा देते हैं जहाँ पे उसकी पति और बेटी रहती है, और दोनों वहां पे ही मर जाते हैं। उसके बाद वो चार पांच लोग पुलिस के पास सरेंडर कर देते हैं और उनका केस बनता है सिर्फ और सिर्फ घर जलाने का। कोर्ट में एक ऐसे पेश किया जाता है कि नशे में उन लोगों ने घर में आग लगा दिया था, इसके लिए 15 दिन का रिमांड मिलता है, और वहां से भी वो लोग छूट जाता है पुलिस और वकील के मदद से। वहां से भागने के बाद वो लोग अलग अलग जगह पे रहने लगे हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, सिर्फ एक वकील और पुलिस को पता था। वकील एक औरत थी। उसके बाद कीर्ति सुरेश और वो जो कीर्ति सुरेश का जो बेटी था वो उसके साथ जो बुरा आदमी बात करता था उसके साथ मिलकर कीर्ति उन सबको मारने का प्लान बनाता है। इसके लिए सबसे पहले उन लोगों के बारे में पता करना जरूरी था, तो उन दोनों ने वकील को उठा लिया है। उसके बाद उन सब के बारे में पता चलता है, और उसके बाद वो दोनों मिलके उन सब में से एक एक करके बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर करते हैं सबका। फिल्म में कीर्ति सुरेश की एक्टिंग टॉप क्लास था, उसको हमेशा रोमांटिक फिल्म करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ट्राई किया और वो इस किरदार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाई है। उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो स्टाइल है, वो बहुत ही धासु है। साथ ही साथ कीर्ति सुरेश का साथ देने वाला जो बुरा आदमी के बारे में बताया वो सेल्वा राघवन सर है, जो कि मशहूर डायरेक्टर है। उन्होंने भी अपने किरदार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाई है, और उन्होंने एक साबित कर दिया है कि वो क्यों एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। उन्होंने अपनी एक्टिंग के जलवे से भी दिखा दिया है इस फिल्म में। फिल्म का मेन हाईलाइट है फिल्म का 2 एक्शन सीन जो कि एंडिंग में आता है।
सबसे एंडिंग का एक सीन और इसके थोड़ा सा पहले एक कार क्रैशिंग सीन आता है जिसमें गाड़ी के साथ बहुत सारे लोगों को कत्ल किया जाता है जिसको ड्राइव करता है कीर्ति सुरेश। और वहाँ पे उसका कुछ अलग ही अंदाज देखने को मिलता है, एक अलग ही अवतार देखने को मिलता है। वो फिल्म में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट है, बहुत ही देखने लायक है। इसके अलावा आखिर में जो एंडिंग सीन आता है वहाँ पे भी एक्शन सीक्वेंस बहुत ही लंबा और रहता है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर होता है, तो वो सीन भी बहुत ही देखने लायक है। इसके अलावा बाकी सारे क्राइम सीक्वेंस भी बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया है। वहाँ पे आपको एक हॉलीवुड वाला फील आएगा देखने में। वहाँ पे छुरा, तलवार, बंदूक और एसिड बहुत कुछ मतलब इस्तेमाल किया जाता है मर्डर करने के लिए। बहुत ही खतरनाक खतरनाक सीक्वेंस है जिसको देखते हुए आपको हॉलीवुड फिल्म का याद आएगा। जो लोग हॉलीवुड फिल्में देखना पसंद करते हैं जिसमें ब्रूटली मर्डर, ब्रूटली मतलब बहुत ही खून खराब देखने को मिलता है, तो ऐसे फिल्में देखने वाले लोगों को बहुत ही पसंद आएगा ये फिल्म। फिल्म की क्लाइमेक्स में कीर्ति और शैलबा राघवन सर दोनों लड़ते लड़ते दोनों में से एक अपनी जान गंवा देता है। लेकिन कौन अपना जान गंवाता है, कीर्ति सुरेश या फिर शैलबा राघवन सर? और इन दोनों के बीच संबंध क्या है जो एक साथ आ चुका है? क्या शैलबा राघवन सर का भी कोई पास्ट है, उनका कोई रिश्तेदार है? ये सब जानकारी जानने के लिए आपको ये फिल्म देखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको फिल्म का हर एक सीक्वेंस, हर एक सीन का मजा लेने के लिए आपको जरूरी फिल्म देखना चाहिए। भले ही ये फिल्म हिंदी में ना हो, तमिल में आई है, आप इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं। हो सकता है आपको शुरुआत में फिल्म थोड़ा सा स्लो लगे, आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिल्म आपको बहुत ही मजा आएगा। फिल्म आपको एंगेज करने लगेगा, जो जो सीक्वेंस है, जो जो मारा सीक्वेंस है वो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो एक बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में आपको कोई रोमांटिक या फिर कॉमेडी सीन देखने को नहीं मिलेगा, तो जो लोग रोमांटिक कॉमेडी सीन देखना पसंद करते हैं या फिर हाईली इंटेंस एक्शन फिल्म देखना पसंद करते हैं उन लोगों को शायद ये फिल्म ना भी अच्छा लगे। जो लोग क्राइम सीक्वेंस को साथ फिल्म को देखना पसंद करते हैं उन लोगों को ये फिल्म बहुत ही पसंद आएगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो दोस्तों मुझे ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगी है। फिल्म का स्टोरी लाइन, फिल्म का नरेशन, सिनेमेटोग्राफी और फिल्म में हर एक एक्टर की जो एक्टिंग है, खासकर कीर्ति सुरेश और शैलबा राघवन सर, इन दोनों का एक्टिंग जबरदस्त है। तो इसीलिए मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इस फिल्म को देख सकते हैं, अमेजोन प्राइम पर अवेलेबल है। तो आई होप कि दोस्तों आज का रिव्यू आपको पसंद आई है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।